अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में 19 मुकदमे दर्ज हैं। मुरादाबाद की सिविल लाइन पुलिस ने बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। सिविल थाना पुलिस ने 25,000 के इस इनामी बदमाश राजेंद्र उर्फ नन्नन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक तमंचा व एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। पकड़ा गया बदमाश राजेंद्र उर्फ नन्नन पिछले काफ़ी दिनों से 2 लाख की लूट के मामले में घटना से फरार चल रहा था। राजेंद्र उर्फ नन्नन ने लूट की घटना को बरेली जिले में अंजाम दिया था। बरेली के थाना कोतवाली क्षेत्र में रिक्शा में बैठे एक व्यक्ति से सूटकेस छीन लिया था, जिसमें 2 लाख रुपए थे। एसपी सिटी अंकित मित्तल ने बताया कि पुलिस ने आज 25,000 के इनामी बदमाश राजेंद्र उर्फ नंदन को सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद पकड़ा है, जिसके पास से एक तमंचा व एक खोखा कारतूस भी मिला है। बरेली जिले में एक रिक्शा सवार से 2 लाख रुपए की लूट और अन्य चोरी की कई घटनाओं में वांछित चल रहा था और आसपास के जिले और राज्यों में 19 मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस को काफ़ी लंबे समय से इसकी तलाश थी। एबीएन समाचार के लिए मुरादाबाद से अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट।